देसी एग्रो में आपका स्वागत है। सामने आप देख सकते हैं एक पॉली हाउस, इसको असल में बनाया जाता है। अगर आप कोई नर्सरी लगाना चाहते हैं किसी प्लांट की, तो इन सब चीज़ों के लिए आपको नर्सरी बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है बेसिकली। चलिए खोल के देखते हैं इसको अंदर से कैसा है। ये पूरा प्लास्टिक का शीट लगा हुआ है बाहर, और जो इसके अंदर एंगल हैं वो लोहे के लगे हुए हैं। तो नर्सरी ही तैयार करते हैं इसके अंदर ना। ये प्लास्टिक मटेरियल है और ये आपका अंदर एंगल लोहे का सब लगवाया है ना। अंदर तो सभी लोहे का ही है। अच्छा, ये छोटा वाला आप रखे हैं, इन्हीं सब में लगाते हैं ना? ये है। इसी कैरेट्स में आप लगा के फिर इसके बाद इसके अंदर रख देते हैं। हाँ, इसके अंदर ठंड के मौसम में जर्मिनेशन अच्छा होता है। अच्छा, ठंडी के टाइम में जर्मिनेशन अच्छा होता है। ठंडी के लिए खाली केवल है, अच्छा गर्मी के लिए सही नहीं है। तो मैंने गर्मी में उतना गर्मी में इसमें जो भी पौधा रहेगा अगर उसमें नमी कम है जी तो वो जल जाएगा। और ठंडी के टाइम में ये बढ़िया काम करता है, ठंडी के समय पर बढ़िया अच्छा रहता है। अच्छा, तो देख सकते हैं आप अंदर ये पूरा पॉली हाउस पूरा प्लास्टिक का बना हुआ है और इसमें लोहे के एंगल्स लगे हुए हैं। कितना खर्चा आ गया था भैया इसको बनवाने में? करीब 35,000 रुपये तक आए थे। 35,000 रुपये तक आ गया था। कितना एरिया है ये पूरा टोटल? 100 स्क्वायर मीटर। 100 स्क्वायर मीटर है ये टोटल पूरा एरिया। अच्छा, अब पानी के लिए कैसे सिस्टम आप देते हैं? मान लीजिए अगर आप नर्सरी लगाते हैं उस टाइम, स्प्रे वाला मशीन है बैटरी वाला, उसी से करते हैं। उसी से स्प्रे कर देते हैं आप? अच्छा, जैसे मान लीजिए वो तो आपने बताया कि आप स्प्रे कर देते हैं उस मशीन से, उसके बाद अगर पानी देना हुआ तो उसके लिए क्या ज़्यादा पानी देना हुआ? ज़्यादा पानी देने को हुआ तो फिर हाई स्पीड इंजन से सिंचाई करेंगे। सिंचाई का मतलब ये है कि जैसे आपने कैरेट लगाया उसके अंदर लगाया है आपने ना, तो कैरेट वाली सिंचाई नहीं हो पाएगी। जैसे इस समय ये जमीन खाली केवल सिंचाई के लिए हो सकता है, तो इसमें क्या लगा सकते हैं? मान लीजिए किस चीज़ की? इसमें जैसे धनिया लगा सकते हैं, इस समय तो धनिया ही बोया गया है इसमें। जी जी, लेकिन अभी जमा भी नहीं है, एक भी नहीं दिख रहा है। अच्छा, हाँ, तो इसमें काफ़ी गर्मी हो रही है। बहुत ही गर्मी हो रही है, ये खुला ना होता तो आप रुक नहीं पाते। तो मतलब ज़्यादातर इसका इस्तेमाल ठंडी के सीज़न में, ठंड के मौसम में इसमें बराबर उगेगा, कोई भी फसल लगाएंगे ठंड के बाद में नहीं उगेगा। जैसे अप्रैल मार्च के बाद में इसमें कोई भी नर्सरी आप नहीं डाल, मतलब गर्मी के टाइम में कोई भी पौधे इसमें सुरक्षित रुकेंगे नहीं। जैसे और पौधे में रुकने वाला पौधा लेवकी का पौधा हुआ जो ज़्यादा दिन तक टिक सकता है और सही सलामत रह सकता है। अच्छा, और तो बाकी पौधे जैसे तरोई हुआ, करेला हुआ या बैंगन हुआ, मिर्चा हुआ, ये सब जलने लगेंगे। हाँ, और बाकी वो आप जैसे नर्सरी उन कैरेट के थ्रू तैयार करते हैं, हाँ, किस किस चीज़ों की तैयार करते हैं? अभी तो हमने तैयार किया है जैसे करेला हुआ, लेवकी हुआ, बैंगन हुआ जी, और खीरा हुआ, और कद्दू, और ये जो फूल लगा है इसका भी 50-50 पीस लमसम तैयार कर चुके हैं। अच्छा, ये यहीं पे आपने तैयार किया है इसका? अच्छा, तो 35,000 के आसपास खर्च टोटल आ गया था इसको तैयार करवाने में। कोई सब्सिडी वगैरह आपको मिली है इसमें? अब सब्सिडी भैया वैसे तो सामने नज़र नहीं आई है, बाद में देखा जाएगा। अच्छा, आपका एग्जैक्टली क्या जगह है मुझे? हाँ, ये हमारा खुद की जमीन है। खुद की जमीन, जैसे ये जगह कौन सी है, एरिया कौन सा है, मुझे पूरा पता नहीं है इस एरिया। पुरैनिया जाट और पोस्ट चमरूपुर है जी, ग्राम पुरैनिया जाट है और ब्लॉक उतरौला। हाँ, डिस्ट्रिक्ट बलरामपुर। आपका नाम भाई साहब? कन्हैया लाल। ठीक है कन्हैया भाई, आपने इन्फॉर्मेशन दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।